हेलो फूडीज़, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट दिया था कि हम पश्चिम विहार आए हैं, तो हम पश्चिम विहार में ही है। एड्रेस का मैं आपको पहले एड्रेस बता दूं, तो हम कहां पर आए हैं। हम एक्चुअली ये A3 की DDA मार्केट है, ये A3 की DDA मार्केट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या ट्राई करने आए हैं, आज हम आपको इतनी स्पेशल चीज़ खिलाने वाले हैं कि आपके मुँह में पानी आ जाएगा देख कर ही। चाट पापड़ी, मस्त मस्त चीज़ें हैं यहाँ पर, और दुकान का नाम है अनारजी। बोर्डिंग का यहाँ पे है, मैं आपको बोर्ड दिखाऊँ तो अनारजी। दोस्तों चलिए, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या मिलता है, रेट लिस्ट कैसी है यहाँ की। और मैं सच बताऊँ ना, तो पहली नज़र में मुझे बहुत टेम्पटिंग लगा। इनकी क्वालिटी वगैरह सब ने मुझे काफ़ी इंप्रेस कर लिया कि ब्रेड वगैरह, और काफ़ी हाइजीनिटी भी लगी मुझे यहाँ पे। तो मैंने पूछा कि दुकान की हिस्ट्री क्या है, तो नई दुकान है, चलिए अंदर चल के आगे बात करते हैं। वीडियो अच्छी होने ही वाली है, आपको पता ही है, तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, और हाँ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये रही प्राइस लिस्ट पूरी। तो इन्होंने आज, हमने इनसे ही पूछा कि सर आप बताइए आपकी बेस्ट चीज़ क्या है जो हम ट्राई करें। कह रहे कि सर ये हमारे यहाँ दो चीज़ें बहुत स्पेशल हैं, राज कचौड़ी और अनारजी स्पेशल टोकरी। लेकिन स्पेशल टोकरी बारिश के मौसम की वजह से वो आपको अच्छी हालत में मिल नहीं पाएगी, तो आप राज कचौड़ी ट्राई करिए। तो आज हम इन्हीं के कहने पर यहाँ पर राज कचौड़ी ट्राई करेंगे, और आपको बताएंगे कि कैसा उसका टेस्ट है, आपको खिलाएंगे अच्छी तरह। दोस्तों, ये हमारी राज कचौड़ी बननी स्टार्ट हो गई है, टूट रही है, तो अब आपको पूरी प्रिपरेशन दिखाते हैं, इसमें क्या क्या भरा जाएगा अंदर, और क्वालिटी की बात करेंगे यहाँ पे। ये सर लाल चटनी, हाँ। अच्छा, मीठी चटनी, उसके बाद इसमें भल्ला डाला गया। अच्छा, उससे भल्ला देख सकते हैं, इसको भल्ले का पीस स्टफ किया जा रहा है। ये मसाला सर, उसके बाद ये हमारा अपना एक पर्सनल मसाला है जो हमने अपना बनाया है। अच्छा, मोट दाल पहले, आलू छोले डाले, आलू छोले, बॉइल छोले, पोटैटोस, क्या बात, मसाला डालो थोड़ा थोड़ा, ये स्प्राउटेड है, काफ़ी अच्छी तरह फिलिंग हो रही है ना हर चीज़ की। बस बेटे थोड़ा मुंह और खोलना था इसको, चलो चलो। अब आगे हमारी मेन जो गर्मी में बेस्ट है, हटा दो इसको, बेस्ट सर। दही में और भी चीज़ें ऐड करेंगे? हाँ, दही में हमारा अपनी बनाई हुई दही होती है, इसमें क्रीम होता है। अच्छा, इसमें क्रश शुगर होती है, और इसमें इलायची पाउडर होता है। अच्छा, और डाल बेटा अभी दही बाहर से, अच्छा।
तो इसे काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है दोस्तों। सो इतनी फिल करी हुई स्टफ करी हुई राज कचौरी शायद ही आप देखे ट्राई करी है ना, दिखने में ही मतलब दिल जीत गया। अरे ऊपर नमकीन सर, हाँ भुजिया क्या अनार अदरक धनिया जी हाँ अनार धनिया अदरक बीटरूट और ये आ गया हमारी राज कचौड़ी की प्लेट कंप्लीट। क्या बात, मतलब टेस्ट तो बाद की बात है, प्रेजेंटेशन में ही दिल जीत लिया मेरा तो। आइए अब आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसे हैं आप। तो दोस्तों ये आ गया हमारा राज कचौड़ी, इतनी स्टफिंग करी गई है इसके अंदर, इतनी अलग अलग चीज़ें डाली हैं, आपने देख लिया होगा। अगर मैं दोबारा हर चीज़ का नाम लूँगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो 70 rupees प्राइस पड़ा, जैसे कि हमने यहाँ देखा, हमें 70 rupees की राज कचौड़ी पड़ी। फिलिंग एक नंबर की है, प्रेजेंटेशन एक नंबर की है। अब टेस्ट करते हैं सबसे मेन चीज़, ये देखिए क्रिस्पी राज कचौड़ी। अरे तोड़े कैसे, टूट जा मेरे भाई, बहुत क्रिस्पी है। देखो यार फिलिंग बाद की बाद में निकालेंगे, पहले अंदर की ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। ठंडी ठंडी दही, अनार, तीखी मिर्च वाला जो चटनी है तीखी है, खट्टे में नहीं तीखी है, और अदरक और लाल चटनी, मतलब इतना टेस्ट, इतने सारे टेस्ट है, मैं आपको क्या क्या बताऊँ इसमें। दोस्तों एक नंबर की राज कचौड़ी है, आपको टेस्ट एक्सप्लेन कर दो, खट्टी भी है, मीठी भी है, तीखी भी है, और राज कचौड़ी का टेस्ट आप जानती हैं। गर्मी के हिसाब से ना बेस्ट है, सच बता रहा हूँ मैं, कुछ भी कमी नहीं लग रही मुझे इसमें। प्राइस सेगमेंट की बात करें, वैल्यू फॉर मनी मुझे परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि राज कचौड़ी 50 minimum 50-60 की तो आ ही जाती है हमेशा, और 70 ज़्यादा भी नहीं है दोस्तों। और हाइजीनिटी मैंने आपको दिखाई दी यहाँ पे कि क्वालिटी कैसी है। तो चलिए अब अगली शॉट में बात करते हैं, मेरे सबसे तो परफेक्ट है, 10 out of 10 है। चल दोस्तों अब दिखाते हैं क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं यहाँ पे। ये हमारी भुजिया जी सर, और क्या क्या बताते हैं ये स्प्राउट्स हमारे वो है ना मूंग दाल, क्या बात है, और क्या क्या डालेंगे स्प्राउटेड मूंग प्रोटीन से भरी हुई मसाला है। अच्छा ये आपका जो आप कह रहे थे मिक्स मसाला, जो टिक्की वाला, टिक्की वाला, अच्छा ये टिक्की का ऊपर सामान सलाद सलाद है। अच्छा अच्छा भल्ले का जो भी आपने भरा था भल्ले, बढ़िया आलू छोले, अच्छा अच्छा। और सर दही वगैरह इनमें क्या क्या रखा है, ये दही है, इसमें दही है, अच्छा क्या बात है। और ये भल्ले इधर थे दोस्तों, भल्ले, अच्छा ये भल्ले देख सकते हैं आप कितने खिले हुए बढ़िया भल्ले लग रहे हैं, है ना, पूरी परफेक्ट शेप में। सर क्वालिटी तो मुझे एक नंबर ही लग रहा है यहाँ पे, क्या सर क्वालिटी के लिए क्या करते हैं, सामान कहाँ से मिलता है, अच्छा अंकल जी बताइए आप, मतलब आपके हिसाब से तो क्वालिटी मुझे तो ठीक लग रही है, परफेक्ट के मतलब अच्छा क्वालिटी का यूज़ होता है सामान, ये तो है। हार्वेस्ट गोल्ड के बेड दिख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ, तो क्वालिटी में तो दोस्तों मुझे कोई वो नहीं लग रही। एक बार अंकल से पूछते हैं, अंकल क्वालिटी आप कहाँ से चेक करते हैं, मतलब सामान कहाँ से लाते हैं। मसाले वगैरह जो है मेरे वो MDH से यूज़ करता हूँ। मसाले MDH के, अच्छा मतलब मेरे पास जो भी चीज़ है वो ब्रांडेड रखता हूँ, मैं लोकल किसी चीज़ पे फेथ नहीं करता। वही सर, क्योंकि क्वालिटी तो मुझे एक नंबर लग गया। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई है, बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो गया, बड़ी मुश्किल से हम साइड में आके ले रहे हैं। तो मुनीश भाई आपको कैसा लगा यहाँ का टेस्ट? मुझे तो भाई बहुत बढ़िया टेस्ट आया यहाँ पर, क्वालिटी वाइज देखने बहुत बढ़िया है और टेस्ट भी बढ़िया लगा, मतलब अच्छी चीज़ चल रही है और आप अच्छा खा रहे हैं और वैल्यू फॉर मनी भी है, ये नहीं कि डबल ट्रिपल रेट पे दे रहे हो, रेट भी सही है क्वालिटी के हिसाब से। बस अब वही है राज कचौड़ी मुझे तोड़ना सीखना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल हुई मुझे राज कचौड़ी तोड़ने में, नेक्स्ट टाइम जैसा ही होगा। तो लास्ट में भाई दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें।